जय हिंद दोस्तों, इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट अपने पैरा स्पेशल फोर्सेस और पैरा ट्रूपर्स के लिए फेमस है। इंडियन आर्मी के दूसरे रेजिमेंट की तरह पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा बनने के लिए किसी भी सोल्जर को वॉलंटियर करके 90 दिन की पैरा प्रोविजन को क्लियर करना होता है। और एयर डिफेंस के आज के इस वीडियो में इसी 90 दिन के पैरा प्रोविजन में क्या क्या ट्रेनिंग एक सोल्जर को दी जाती है, कितनी कठिन और कितनी इंटेंस ट्रेनिंग दी जाती है, आज इसी का खुलासा करेंगे इस वीडियो में। यह 90 दिन की ट्रेनिंग पैरा की एक बेसिक ट्रेनिंग है। इसे कंप्लीट करने के बाद एक सोल्जर को मिलता है मरून बेरे, वो बनता है एक पैरा ट्रूपर्स एयरबॉर्न सोल्जर। पैरा प्रोविजन को क्लियर करने के बाद जो लोग स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर करते हैं उन्हें फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो इस 90 दिन के पैरा प्रोविजन कुल चार हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला पड़ाव शुरू होता है डे 1 से लेकर के डे 35 तक। इस पहले 35 दिन की ट्रेनिंग में एक सोल्जर की फिजिकल एंड स्किल ट्रेनिंग होती है। हर रोज एक सोल्जर को 16 घंटे एक्सरसाइज और ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें अलग अलग स्किल्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे कि आंखों में पट्टी बांधकर किसी भी तरह के वेपन को जोड़ना और उसे खोलना। बेसिक फर्स्ट एड मेडिकल ट्रेनिंग भी इन्हें दी जाती है। वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। एनिमल हैंडलिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं। अगर ऑपरेशन के दौरान कभी सामने शेर पड़ जाए तो शेर से कैसे बचना है, कैसे सांप पकड़ना है, कैसे बिच्छू पकड़ना है, ये सारी चीजें एनिमल हैंडलिंग स्किल के अंडर में आती है। इसके अलावा 4 दिन तक बिना कुछ खाए ऑपरेट करना, मात्र 1 लीटर पानी में 3 दिन तक डटे रहना, 10 किलो के बैटल गियर और 7.5 किलो के राइफल लेकर के रोज 30 किलोमीटर तक चलने से शुरू होता है दिन। पहले 35 दिन की ट्रेनिंग में एक सोल्जर को एक बहुत ही बेहतरीन नेविगेटर बनाया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का रोड्स नहीं है, किसी भी तरह का लैंडमार्क नहीं है, चाहे वो जंगल हो चाहे रेगिस्तान हो। इस पैरा प्रोविजन को क्लियर किए हुए सोल्जर्स को कहीं पर भी आप छोड़ दीजिए, वो पता लगा लेगा कि कहाँ जाना है और वो इस वक्त पर कहाँ पर है। ये एक GPS से ज्यादा बेहतर नेविगेटर होते हैं। इसी 35 दिन की ट्रेनिंग में 3 हफ्ते बेसिक पैरा जंप्स की ट्रेनिंग के लिए इन्हें पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में भेजा जाता है। यहाँ पर उन्हें 35,500 फीट की ऊंचाई से कुल 5 जंप्स लगाने होते हैं, जिसमें से 2 बैटल गियर के भारी वजन के साथ और 2 रात के घने अंधेरे में जब कुछ नहीं दिखता। क्योंकि ये एक एयरबॉर्न सोल्जर होने वाले हैं, इसीलिए इनको पैरा जंप्स को बिल्कुल क्लियर करना होता है। पैरा जंप्स और इस पूरे ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद इन्हें दिया जाता है पैरा विंग। पहला 35 दिन कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जो होता है डे 45। ट्रेनिंग के 45 दिन कंप्लीट होने के बाद सोल्जर्स को 36 घंटे की दोजख में भेजा जाता है। इसे पैरा प्रोविजन का हेल भी आप बोल सकते हैं, यानी कि इस 36 घंटे में एक सोल्जर को नर्क दर्शन करवाया जाता है। इतना ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग, इतना ज्यादा स्ट्रेस एक सोल्जर के ऊपर डाला जाता है कि वो नॉर्मल इंसान के लिए सह पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और इसी स्टेज में एक पैरा ट्रूपर इंसानी लेवल को ब्रेक के ऊपर उठ जाता है। इस 36 घंटे की ट्रेनिंग को बिना नींद के कंप्लीट करना होता है। ट्रेनिंग शुरू होती है 40 किलो वजन लेकर के 10 किलोमीटर स्पीड मार्च से। इसके बाद पैरा ट्रूपर्स में बडीज होते हैं। 2 सोल्जर की कपल को बडीज कहा जाता है। और इस 36 घंटे की ट्रेनिंग के दौरान एक बडी दूसरे बडी को कंधे में उठाकर 5-10 किलोमीटर तक चलना होता है। 11 घंटे तक यही सब एक्सरसाइज चलते रहते हैं। 11 घंटे के बाद एक सोल्जर को पहला पानी दिया जाता है। पानी पीने के बाद जैसे ही शरीर थोड़ा थकने लगता है तो वहां पर शुरू होती है वेट ट्रेनिंग। 85 किलो के टायर्स लेकर के 20 किलोमीटर तक चलना होता है और यहाँ पर यह मार्च कंप्लीट करना होता है विद इन टाइम। अगर टाइम से कोई सोल्जर मार्च कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उन्हें अपने पेरेंट यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। इतना ज्यादा हाई लेवल का स्ट्रेस और इतना ज्यादा दर्द इस 36 घंटे में सोल्जर को दी जाती है, इससे वो बनता है एक नॉर्मल सोल्जर से एक एयरबॉर्न सोल्जर, एक पैरा ट्रूपर। इसके अलावा इस 36 घंटे में एम्बुश रेस्पॉन्स ट्रेनिंग, यानी कि अगर अचानक हमला हो जाए तो वहां पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे जंगल में पहाड़ियों में घर बनाकर रहना है, ये सारे ट्रेनिंग इस 36 घंटे की दोजख में दी जाती है। ट्रेनिंग का तीसरा पड़ाव शुरू होता है 56 दिन की ट्रेनिंग के बाद। इस दिन पैरा ट्रूपर्स को 100 किलोमीटर की एंड्यूरेंस रन को कंप्लीट करना होता है। 10 किलो के बैटल गियर के लोड और 7.5 किलो के राइफल लेकर के 13-15 घंटे में 100 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होती है। और ये दौड़ पहाड़ी इलाकों पर होते हैं जहां रास्ता कभी ऊपर तो कभी नीचे। ट्रेनिंग का चौथा पड़ाव शुरू होता है 60-90 दिन के बीच में। इस एक महीने की ट्रेनिंग को पैरा ट्रूपर्स में थोड़ा सा पर्सनल, थोड़ा सा क्लासिफाइड रखा गया है। मोस्ट प्रोबेबली इस 30 दिन की ट्रेनिंग में एक सोल्जर को काउंटर इंसर्जेंस एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को कैसे अंजाम देना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे आतंकवादी के घर में घुसकर उन्हें ठोकना है, कैसे
जंगल में ऑपरेट करना है, इस सब की ट्रेनिंग इस 30 दिन में दी जाती है। और इतना ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग को जो भी सोल्जर्स कंप्लीट कर पाता है उन्हें दिया जाता है मरून बेरे और पैरा विंग बैच। आशा करता हूँ 90 दिन की पैरा प्रोविजन की ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।